एक ही घंटे के अंदर साउथ जोन में हुई दो लूट की घटनाएं, लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर, बुधवार का दिन कानपुर साउथ पुलिस के लिए सिरदर्द भरा साबित हुआ। एक दिन के अंदर कानपुर साउथ के अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो चैन लूट की घटनाओं ने कानपुर साउथ पुलिस का सर दर्द बढ़ा दिया। पहले बर्रा क्षेत्र के जरौली फेज वन में महिला के साथ चैन लूट की सूचना मिली, फिर गुजैनी थाना क्षेत्र के गुजैनी सब्जी मंडी में एक और महिला के साथ चैन लूट की सूचना ने कानपुर की साउथ पुलिस का सर दर्द बढ़ा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ADCP अंकिता शर्मा मौके पर पहुंची और लुटेरों की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए। बताते चले कानपुर साउथ जोन के थाना बर्रा के जरौली फेस वन की रहने वाली देवती दवा लेने गई थी, तभी गुरु कृपा मार्बल के पीछे गली में दो बाइक सवार लुटेरों ने देवती के गले की चैन तोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी कि थाना गुजैनी क्षेत्र के अंबेडकर नगर की रहने वाली जय देवी गुजैनी सब्जी मंडी चौराहे के पास से होते हुए अपने घर जा रही थी, तभी पीछे से नीली अपाची बाइक से आए दो युवकों ने उनके गले की चैन तोड़कर फरार हो गए। एक ही दिन में हुई दो लूट की घटनाओं को उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लिया गया और ADCP साउथ अंकिता शर्मा ने खुद मौके पर जाकर जांच पड़ताल की और जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। बताते चले थाना बर्रा और गुजैनी क्षेत्र में हुई दोनों लूट की घटनाएं एक ही लुटेरे के द्वारा किए जाने की बात सामने आ रही है। दोनों ही घटनाओं में नीली अपाचे बाइक और दो युवकों के शामिल होने की बात पीड़ित परिवार द्वारा बताई गई। पहले थाना बर्रा और फिर गुजैनी थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देकर शातिर लुटेरों ने कानपुर की साउथ पुलिस को खुला चैलेंज देने का काम किया है। वहीं दिन दहाड़े हुई इन दोनों लूट की घटनाओं ने जनता के दिल में दहशत बनाने का काम भी बाखूबी किया है। थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि लुटेरों की CCTV फुटेज उनके हाथ लगी है, बहुत जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जाएगी। पहली घटना में एक बाइक पर सवार दो युवकों ने जरौली फेस वन की रहने वाली देवती के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया, तो दूसरी में नीली अपाचे बाइक पर सवार दो युवकों ने अंबेडकर नगर की रहने वाली जय देवी को अपना शिकार बनाया। आदया न्यूज 24 के लिए कैमरामैन सुभाष वर्मा के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। जी, दक्षिण जोन में दो चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, एक थाना बर्रा क्षेत्र में और एक थाना गुजैनी क्षेत्र में। दोनों ही थानों की टीमें इन घटनाओं पर काम कर रही हैं और जल्दी इन घटनाओं का खुलासा भी किया जाएगा। चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा है, हमारी टीमें लगातार CCTV कैमरेज देख रही हैं और भी तरीकों से इसे कोरिलेट करने की कोशिश की जा रही है, जल्दी इन घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। जब घटना का खुलासा किया जाएगा तो इस बारे में भी जानकारी और पूछताछ की जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।